हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? हमारा क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? इसका राइट आंसर है 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? हमारा क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? हमारा क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है जो वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? हमारा क्वेश्चन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 124। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारा क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है 1950 ईस्वी में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमारा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का प्रावधान किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? हमारा क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका राइट आंसर है बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? हमारा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बहुद्देश्य नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हमारा क्वेश्चन है, उकाई बहुद्देश्य नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है गुजरात में उकाई बहुद्देश्य नदी घाटी परियोजना स्थित है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? इसका राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? हमारा क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? इसका राइट आंसर है आभासी और सीधी। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि आभासी और सीधी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है निकोलस टेस्ला द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? इसका राइट आंसर है 2:1 होता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? हमारा क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी समुद्री तट किस देश में है? विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश में है? इसका राइट आंसर है कनाडा। कनाडा में सबसे बड़ा समुद्री तट है विश्व का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारा क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? हमारा क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? हमारा क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? हमारा क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? इसका राइट आंसर है 6 महीने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारा क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर है चिल्का झील।
जो चिल्का झील है वो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? हमारा क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है कावेरी नदी पर। जो मेटूर बांध है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक।